पीपीटी से नहीं डायरेक्ट हम यहाँ पर इमेज से इसको लर्न करेंगे. सो अभी के लेक्चर में हम लर्न करेंगे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वर्किंग एंड इट्स कंस्ट्रक्शन. सो इसके अंदर सबसे पहले हम लर्न करने वाले कि जब भी इंजन हमारा स्टार्ट होगा तो इंजन स्टार्ट होने के बाद में कौन कौन से सेंसर्स हमारे ईसीयू को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट रहता है उसको सिग्नल भेजते हैं. तो इसके अंदर अभी आज का जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर आपको सेंसर्स के अंदर एक सेंसर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है. यहाँ पर चलो मैं बता दूँ हर एक सेंसर का वर्किंग. जैसे फर्स्ट वाला सेंसर है हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर. थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्या करता है कि आपने गाड़ी को रेस किया है, रेस करने के बाद में कितना रेस किया है उसका जो सिग्नल उसको डिटेक्ट करेगा और वो सिग्नल देगा हमारे ईसीयू को. ठीक है, यहाँ पर एक ईसीयू लगाया हुआ देख सकते हो आप. यहाँ पर हमने ये कल के लेक्चर में भी देखा था, यहाँ पर ईसीयू दिखाई देगा, इस ईसीयू को सिग्नल भेजेगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को. देन सेकेंड वाला सेंसर है हमारा मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर. ठीक है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर. तो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर क्या करता है, जो इनलेट मैनिफोल्ड जो रहेगा हमारा, तो इनलेट मैनिफोल्ड से जितना भी एयर जा रही है तो उसका प्रेशर डिटेक्ट करेगा. ये रहेगा आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर. देन ऑक्सीजन सेंसर का काम क्या है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है तो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर कितना अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है वो डिटेक्ट करेगा और ये ऑक्सीजन सेंसर आपको यहाँ पर सिग्नल देगा. देन क्रैंक पोजीशन सेंसर क्या करेगा, क्रैंक पोजीशन सेंसर आपको क्रैंक की पोजीशन बताएगा. नेक्स्ट रहेगा हमारा फ्यूल टेम्परेचर सेंसर. हमारा जो फ्यूल टैंक है उस फ्यूल टैंक के अंदर कितने अमाउंट में प्रेशर अवेलेबल, सॉरी कितने अमाउंट जो फ्यूल अवेलेबल है उसका टेम्परेचर कितना है वो डिटेक्ट करके बताएगा आपको फ्यूल टेम्परेचर सेंसर. तो ये हो गया हमारे सेंसर. इसके अंदर एक सेंसर एक्स्ट्रा का दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका वैक्यूम ऑब्लिक एयर फ्लो सेंसर. ये देखो यहाँ पर दिया है ये वाला सेंसर. ठीक है, ये एक्स्ट्रा का सेंसर ऐड हुआ है इसके अंदर. तो ये एक्स्ट्रा का सेंसर काहे के लिए यूज होगा हमारा, वैक्यूम टू डिटेक्ट दी वैक्यूम और द एयर फ्लो सेंसर. कितने अमाउंट में एयर या तो फिर वैक्यूम हमारे इनलेट मैनिफोल्ड पर अवेलेबल है वो डिटेक्ट करेगा हमारा वैक्यूम और फ्लो एयर से एयर फ्लो सेंसर. और वो सिग्नल कहाँ पर देगा, हमारे ईसीयू को सिग्नल देगा. सो ईसीयू को जब सिग्नल मिलेगा तो फिर अभी ये सारे सिग्नल्स ईसीयू के पास में कलेक्ट हो गए. जैसे ही हमारे सारे सिग्नल्स ईसीयू के पास में कलेक्ट हुए तो फिर ईसीयू क्या करेगा, हमारे इंजन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसको कमांड देगा. मतलब हमारे इंजन के रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स है उसको कमांड देगा जो कि हमारे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स है. तो कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के, सबसे पहला वाला कंपोनेंट रहेगा आपका फ्यूल टैंक, सेकेंड कंपोनेंट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप, थर्ड वाला कंपोनेंट रहेगा आपका फ्यूल फिल्टर. देन इसके अंदर एक कॉमन रेल रहेगी जैसे हमने CRDI में देखा था, यहाँ पर एक प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व रहेगा. ठीक है, ये होने के बाद में नीचे के जो पोर्शन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे. देन यहाँ से ये कनेक्टेड रहेगा हमारे नीचे के जो फ्यूल इंजेक्टर्स रहेंगे. तो मैं फ्यूल इंजेक्टर थोड़ी देर के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले हम देखेंगे ये कंपोनेंट्स और वर्किंग कैसा होता है इसके अंदर. ठीक है, सो सी सबसे पहले क्या होगा, फ्यूल टैंक से सबसे पहले तो ईसीयू ने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है तो ईसीयू ने डेटा कलेक्ट करने के बाद में ये सारा जितना भी डेटा अवेलेबल है तो वो डेटा के हिसाब से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप को इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा यहाँ पर. ठीक है, बैटरी से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा. इलेक्ट्रिक सप्लाई होने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पर फ्यूल पंप यहाँ से जितना भी हमारे फ्यूल टैंक के अंदर जो भी फ्यूल अवेलेबल है रिक्वायर अमाउंट में जितना भी फ्यूल आपको चाहिए वो फ्यूल क्या करेगा, यहाँ से कलेक्ट करेगा. मतलब ये सक करेगा. जैसे ही फ्यूल हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप ने सक किया, सक करने के बाद में उसका प्रेशर बढ़ जाएगा. अभी यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप के अंदर दैट विल बी रेंजेस फ्रॉम दी 3 to 8 bars तक. कितना, 3 to 8 bar तक ये प्रेशर रहेगा. देन दैट फ्यूल विल बी डिलीवर्ड टू द फ्यूल फिल्टर. वो फ्यूल हमारा डिलीवर्ड होगा फ्यूल फिल्टर के अंदर. फ्यूल फिल्टर का काम क्या है, ये फ्यूल को क्या करेगा, फिल्टर करेगा यहाँ पर. ठीक है, फ्यूल को फिल्टर करने के बाद में दैट फ्यूल विल बी डिलीवर्ड टू द कॉमन रेल. वो डायरेक्टली कहाँ पर डिलीवर्ड होगी, हमारी इस कॉमन रेल के अंदर डिलीवर्ड होगी. ठीक है, सो जब फ्यूल हमारे इस कॉमन रेल के अंदर आ जाएगा तो अब डायरेक्टली इसका कनेक्शन देखो यहाँ पर मैंने फ्यूल इंजेक्टर्स के साथ में नहीं दिया है. ठीक है, जैसे हमने CRDI में देखा वैसा नहीं रहेगा. यहाँ पर इसका जो कनेक्शन रहेगा पहले फर्स्ट कनेक्शन रहेगा इसका प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल के साथ में. अभी यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल काहे के लिए दिया है, प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल क्या करेगा, यहाँ पर जितना भी यहाँ पर फ्यूल कलेक्ट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ इंजेक्टर्स. जितने भी इंजेक्टर्स दिए हमारे पास में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट का जितना भी हमारे पास में फ्यूल अवेलेबल रहेगा दैट फ्यूल विल बी रिटर्न टू द फ्यूल टैंक. वो फ्यूल टैंक के अंदर रिटर्न चला जाएगा हमारा पूरा फ्यूल, जो भी फ्यूल यहाँ पर बचा रहेगा. अभी हमने क्या किया यहाँ पर देखो, फिर प्रेशर रेगुलेटर वॉल ने क्या किया है कि तीनों यहाँ पर तीन इंजेक्टर दिए, मतलब कितने सिलेंडर्स है, 3 cylinders आर देयर. सो सबसे पहले क्या होगा कि जो फ्यूल रहेगा हमारा दैट विल बी डिलीवर्ड टू दी इंजेक्टर को डिलीवर्ड होगा. देन इंजेक्टर उसको स्प्रे करेगा वहाँ पर. ठीक है, बट अब इंजेक्टर कैसे स्प्रे करता है देखो, यहाँ पर अभी क्या रहेगा, यहाँ पर 2-stroke engine और 4-stroke engine बिकॉज दिस मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज यूज इन अ पेट्रोल इंजिन.
तो अगर पेट्रोल इंजन के अंदर अगर हम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अगर यूज करें तो वहां पर दो चीजें आ सकती है, एक टू स्ट्रोक हो सकता है, दूसरा फोर स्ट्रोक इंजन हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर, सी टू स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या रहता है, पोर्ट रहता है, ठीक है, और फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या रहेगा, वहां पर इनलेट मैनिफोल्ड रहेगी। ये दोनों के अंदर का डिफरेंस रहेगा टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक के अंदर। तो यहां पर जो हमारे पास में सेंसर अवेलेबल है कौन सा, वैक्यूम और वैक्यूम या तो फिर एयर फ्लो सेंसर। सो सी वैक्यूम एयर, वैक्यूम या तो फिर एयर फ्लो सेंसर से क्या होगा, यहाँ पर सिग्नल मिलेगा इसको, ठीक है, कहाँ पर, जो इनलेट रहेगा। अभी देखो ये हो गया इंजन का इनलेट और यहाँ पर ये हो गया आपका आईसी इंजन। तो आईसी इंजन का जो इनलेट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला मैनिफोल्ड, तो इस मैनिफोल्ड के पास में दो कनेक्शन है, कौन से, एक तो रहेगा हमारा वैक्यूम या तो फिर एयर फ्लो सेंसर, वो सेंस करेगा कि कितने अमाउंट में वैक्यूम आ रहा है इनलेट मैनिफोल्ड में या तो फिर कितने अमाउंट में एयर आ रही है। जितने अमाउंट में एयर आ रही है वो सिग्नल भेजेगा हमारे ईसीयू को, वो सिग्नल कहाँ पर जाएगा हमारा, इधर के ईसीयू को सिग्नल आएगा ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ईसीयू को सिग्नल आ गया, यहाँ से ईसीयू को सिग्नल मिलेगा, जैसे ईसीयू को सिग्नल मिलेगा तो ईसीयू क्या करेगा, कमांड देगा हमारे फ्यूल इंजेक्टर को कि यहाँ पर आपको स्प्रे करना है, जितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर स्प्रे होगा। और यहाँ पर स्प्रे होने के बाद में यहाँ यहीं पर क्या होगा, ये पोर्शन के पास में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर होगा, देन एयर फ्यूल मिक्सचर विल बी ड्रॉन इन साइड द सिलेंडर, देन सक्शन कॉम्प्रेशन एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट, ये चारों भी स्ट्रोक वहाँ पर परफॉर्म होंगे, जिसकी वजह से हमारा इंजन एक्चुअल में वर्क करने लगेगा। तो इस तरह से हमारा MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। सो लगभग कंपोनेंट्स जो रहेगी हमारे, तो सारे कंपोनेंट सेम CRDI के जैसे ही है, बट इसके अंदर चेंज क्या है कि जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर रहेगा इट विल बी कनेक्टेड ऑन द, कहाँ पर रहेगा, इनलेट मैनिफोल्ड के पास में कनेक्टेड रहेगा ये, ठीक है, कहाँ पर, डीजल पेट्रोल इंजन के अंदर। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हम कहाँ पर यूज करें, इट इज यूज इन अ पेट्रोल इंजन, ये पेट्रोल इंजन के लिए ही इन्वेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, मुझे मैसेज करके बताइए आप कि यहाँ तक क्लियर है बोलकर। सो हम अगला देखते हैं कि इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं। तो MPFI के टाइप कौन से हैं, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, वन इज द DMPFI एंड सेकेंड इज द LMPFI। मैं एक्चुअली सबसे पहले आपको डायग्राम से बता देता हूँ, देन हम उसके एक्चुअल में पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर। सी DMPFI और LMPFI क्या रहता है यहाँ पर, ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या डायग्राम बताई, मैं सबसे पहले आपको DMPFI के डायग्राम को जूम करके दिखाता हूँ, देन हम बाद में LMPFI बात करेंगे, ठीक है। नाउ सी DMPFI मतलब क्या, डी फॉर ड्रग, DRUCK ड्रग, ठीक है, डी काय के लिए यूज किया, ड्रग, एंड ड्रग इज नथिंग बट ये जर्मन वर्ड है ड्रग, जिसका मीनिंग होता है वैक्यूम, जिसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, वैक्यूम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ वैक्यूम, ठीक है, सो ड्रग का मीनिंग होगा वैक्यूम, हम बात कर रहे हैं DMPFI के बारे में। सो डी फॉर ड्रग एंड ड्रग इज नथिंग बट द वैक्यूम। सो DMPFI सिस्टम जो यूज करेंगे हम, जहाँ पर भी मैनिफोल्ड सिस्टम है, जैसे कि फोर व्हीलर के अंदर जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन रहेगा, तो फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या रहता है, मैनिफोल्ड इंजेक्शन सिस्टम रहता है। तो मतलब हमारा जो फोर स्ट्रोक इंजन रहेगा वहाँ पर हम DMPFI सिस्टम यूज करने वाले, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एक प्रोसेस से बता दो, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये रहेगा इनलेट, ये इनलेट रहेगा जहाँ से एयर अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ से एयर अंदर आएगी, ये आपका इनलेट मैनिफोल्ड है, ठीक है। इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर ये क्या है, यहाँ पर सेंसर्स लगाया हुआ है ये, ठीक है। इनलेट मैनिफोल्ड के पास में वैक्यूम सेंसर लगाया हुआ है, देन वैक्यूम सेंसर इसके साथ में कनेक्टेड है हमारा, यहाँ पर ये पाइप दिख रहा है आपको, ठीक है, जहाँ पर एयर और फ्यूल मिक्सचर होगा, मतलब ये जो पाइप है पूरा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का पाइप, ठीक है, ये क्या है हमारा इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड के पास में हमने यहाँ पर क्या लगाया, इनटेक मैनिफोल्ड वैक्यूम सेंसर। तो वैक्यूम सेंसर क्या करेगा, वैक्यूम को डिटेक्ट करेगा कितना वैक्यूम अंदर आया है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एयर एंड गैसोलीन, गैसोलीन मतलब हमारा फ्यूल पेट्रोल, जितना भी यहाँ पर मिक्सचर होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर होने के बाद में फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या होगा, एयर अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ पर एयर कलेक्ट होगी। एयर कलेक्ट होने के बाद में यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पर एक इंजेक्टर लगाया हुआ है, ये इंजेक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये इंजेक्टर क्या कर रहा है कि यहाँ से देखो गैसोलीन आ रहा है, मतलब इधर से फ्यूल आ रहा है, यहाँ से फ्यूल आएगा हमारा इंजेक्टर के अंदर, और इंजेक्टर के थ्रू देखो इनटेक इंजेक्टर इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड, ये आपका इनटेक मैनिफोल्ड है। तो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर क्या लगाया, यहाँ पर हमने इंजेक्टर लगाया, तो इंजेक्टर क्या करेगा, इस मैनिफोल्ड के अंदर फ्यूल को सप्लाई करेगा। यहाँ पर क्या होगा, फ्यूल सप्लाई हुआ, इधर से एयर आई, मतलब इधर से एयर आएगी और यहाँ से फ्यूल आएगा, दोनों का मिक्सचर यहाँ पर होगा। यहाँ पर मिक्सचर होने के बाद में वो जाएगा आपके इंजन के अंदर, कहाँ पर गया, वो इंजन के अंदर आ गया। इंजन के अंदर आने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंजन वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो फिर जब इंजन वर्क करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर एक RPM सेंसर लगाया रहता है, जो कि हमारा माउंट रहता है हमारे क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, ठीक है। सो ये RPM सेंसर क्या करेगा कि कितने RPM में इंजन रोटेट हो रहा है उसका सिग्नल भेजेगा हमारे ECU को। यहाँ पर ECU दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है, ये देखो ECU को सिग्नल जाएगा, फिर ECU डिसाइड करेगा कि
इंजन कितने आरपीएम में रन कर रहा है उसके हिसाब से ये कमांड देगा इंजेक्टर को। इंजेक्टर को कमांड मिलेगी कि इतने आरपीएम में इंजन रन हो रहा है और इतने अमाउंट में आपको फ्यूल यहाँ पर स्प्रे करना है। एट द सेम टाइम इंजेक्टर विल स्प्रे द फ्यूल, इंजेक्टर यहाँ पर क्या करेगा फ्यूल को स्प्रे करेगा। तो इस तरह से डीएमपीएफआई सिस्टम हमारा यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। सो पहली चीज क्या कि डीएमपीएफआई सिस्टम इज यूज इन अ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर यूज करेंगे मैनिफोल्ड इंजेक्शन सिस्टम जहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो मैनिफोल्ड इंजेक्शन सिस्टम कहाँ पर यूज होता है हमारा फोर स्ट्रोक के अंदर। उसी तरह से इंटेक यहाँ से एयर अंदर जाएगी, यहाँ से फ्यूल आएगा, ठीक है। इधर के साइड से एयर अंदर आएगी, यहाँ से इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल आएगा, देन यहाँ पर क्या होगा मिक्सर होगा दोनों का, मिक्सर ऑफ एयर एंड गैसोलीन, इन दोनों का यहाँ पर मिक्सर होगा इस पोर्शन के अंदर। मिक्सर होने के बाद में क्या होगा इंजन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर इंजन आपका रन होगा। जैसे इंजन रन होगा तो इंजन रन होने के बाद में क्या होगा यहाँ पर जो हमारा आरपीएम सेंसर है तो आरपीएम सेंसर डिटेक्ट करेगा कि कितने आरपीएम में इंजन रन हो रहा है, देन इसके हिसाब से ये सिग्नल भेजेगा हमारे ईसीयू को। ईसीयू क्या करेगा वह ईसीयू यहाँ पर सिग्नल देगा हमारे इंजेक्टर को कि कितने अमाउंट में यहाँ पर इंजन का आरपीएम है और कितने अमाउंट में फ्यूल को स्प्रे करना है। देन एट द सेम अमाउंट द फ्यूल विल बी स्प्रेड इनसाइड द इनलेट मैनिफोल्ड ऑफ ए इंजन। इंजन का जो इनलेट मैनिफोल्ड रहेगा वहाँ पर हम फ्यूल को सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर। दिस इज अबाउट द डीएमपीएफआई सिस्टम। तो एक चीज आप हमेशा याद रखो कि डी फॉर ड्रग, DRUCK, ड्रग मतलब वैक्यूम। वैक्यूम मतलब यहाँ पर कौन सा सेंसर यूज करेंगे, वैक्यूम सेंसर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द DMPFI सिस्टम। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि DMPFI सिस्टम के बाद में LMPFI सिस्टम क्या रहता है, ठीक है। L फॉर लुफ्ट, LUFT, L फॉर लुफ्ट MPFI सिस्टम। लुफ्ट का मतलब होता है कि एयर। लुफ्ट का मतलब क्या होगा एयर। लुफ्ट मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होगा कि एयर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सेंसर हम यूज करने वाले कौन सा सेंसर यूज करेंगे, वी विल यूज द एयर फ्लो सेंसर। यहाँ पर आप एयर फ्लो सेंसर यूज होने वाला है अभी हमारा, ठीक है। सो इसके अंदर एक चीज आप याद रखो कि जब भी आपको LMPFI सिस्टम रहेगा तो ये कहाँ पर यूज होगा, टू स्ट्रोक इंजन में यूज होगा। क्यों, बिकॉज इट इज यूज इन अ पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम। अभी पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम कौन सा है हमारा, टू स्ट्रोक इंजन। तो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर हम यूज करने वाले LMPFI सिस्टम। तो LMPFI सिस्टम हमारा टू स्ट्रोक इंजन में यूज होगा। अभी सेम यहाँ से एयर ड्रॉन होगी अंदर, यहाँ पर एयर फ्लो सेंसर जो रहेगा वो डिटेक्ट करेगा कि कितने अमाउंट में एयर हमारे इनलेट मैनिफोल्ड के पास में अवेलेबल है। देन यहाँ पर होगा आपका मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। तो फ्यूल कहाँ से आएगा हमारा, इधर से फ्यूल आएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन से फ्यूल आएगा, यहाँ पर फ्यूल अवेलेबल है, ये फ्यूल हमारा इंजेक्टर क्या करेगा इधर स्प्रे करेगा। यहाँ पर एयर और फ्यूल का दोनों का मिक्सचर होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। एयर फ्यूल यहाँ पर मिक्सचर हो गया, यहाँ पर मिक्सचर होने के बाद में वो जाएगा इंजन के पास में, इंजन यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा इंजन का। जैसे इंजन का वर्किंग स्टार्ट होगा तो वर्किंग स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा, इंजन के पास में यहाँ पर एक कॉर्नर पे आरपीएम सेंसर लगाया है। आरपीएम सेंसर क्या करेगा कि कितने स्पीड में इंजन रन हो रहा है उसकी आरपीएम डिटेक्ट करेगा, एंड देन दैट सिग्नल विल बी गिवन टू द ईसीयू। ईसीयू अब अगली कमांड देगा किसको, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर को कमांड देगा कि फ्यूल इंजेक्टर से कितने अमाउंट में फ्यूल को स्प्रे करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इंजन यहाँ पर वर्क करेगा। तो ये था हमारा DMPFI सिस्टम एंड द LMPFI सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को।